मैगी 2 मिनट में नहीं बन सकती है, तो इसके ऊपर 2 मिनट क्यों लिखा हुआ होता है? कैसे अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आप आईफोन यूजर से ज्यादा अच्छी गाड़ी चला सकते हो? कैसे इस चोर ने पूरी एक्चुअल ट्रेन को ही चुरा लिया, वो भी एक ही रात में? और बुर्ज खलीफा जैसी लंबी बिल्डिंग पर पानी उतना ऊपर कैसे पहुंचता है? भाई ये वीडियो तो गजब का आने वाला है, तो एंड तक देखना। नंबर 22, एंड्रॉइड फोन का जो इस्तेमाल करते हैं वो एप्पल यूजर से ज्यादा बेटर ड्राइवर होते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है अब तक किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन जितना स्टडी किया गया है उसमें ये पता चला है। नंबर 21, टाटा नैनो अब फिर से आने वाली है, पर इसका डिजाइन पूरा अलग होगा और ये इलेक्ट्रिसिटी पर चलेगी, यानी कि ये एक ईवी कार होगी और इसकी प्राइस 2 या 3 लाख रुपए तक होगी, जो कि बहुत सस्ती है। नंबर 20, आप एक केले से एक कच्चे फल को पका सकते हो। आप किसी कच्चे फ्रूट के साइड में पका हुआ बनाना रखते हो तो फ्रूट पक जाएगा, और अगर वो पहले से ही पका हुआ फ्रूट है तो वो और भी ज्यादा पक जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो बनाना में रेडिएशन होता है और साथ में बनाना से ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं जो कि उसके आसपास के फ्रूट्स को भी पका देता है। नंबर 19, कार की चोरी होने की बात आपने सुनी होगी, लेकिन इंडिया में तो ट्रेन भी सेफ नहीं है, क्योंकि कुछ चोरों ने ट्रेन के इंजन को ही चुरा लिया था। इन लोगों ने एक टनल बनाई जो किसी ट्रेन यार्ड तक जाती थी। यहाँ पर रात को बंद पड़ी हुई ट्रेन या फिर उन ट्रेन को रखा जाता है जिनका अभी काम नहीं है, और ये चोर यहाँ पर घुस गए और ये चालू ट्रेन के इंजन को चुरा के भाग गए थे। भाई पर ये लेकर जाएंगे कहाँ इसको? नंबर 10, ये आपका माइंड ब्लो कर देगा। एप्पल में काम करने वाला एम्प्लॉय सालाना 1 करोड़ तक कमाता है, तो इस हिसाब से एक एप्पल का आईफोन बिकेगा तो उसके पीछे वो आदमी इतने डॉलर कमाएगा। वही एप्पल कंपनी का जो इन्वेस्टर है वो सालाना बस एप्पल के शेयर से 6 करोड़ तक कमाता है, यानी कि एक आईफोन के पीछे $3। और इसलिए कहा जाता है एम्प्लॉय नहीं इन्वेस्टर बनिए। नंबर 17, अब टेस्ला का साइबर ट्रक इंडिया में बनेगा। भाई मजाक कर रहा हूँ, पर ये वाला साइबर ट्रक इंडिया में इम्पोर्ट करवाया गया है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये फोटोज और वीडियोज में जितना दिखता है उससे ये बहुत बड़ा है। भाई साइड में स्विफ्ट कितनी छोटी लग रही है इसके सामने। नंबर 16, आपके साथ ये हुआ होगा कि जब भी आप कोई फनी इंसिडेंट किसी को बताने जाते हो तब आप और भी ज्यादा जोर से हंसने लगते हो, क्योंकि उस चीज को बार बार सोचने से हमें हंसी आती है। और पूरी दुनिया में लगभग 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है, और 10% ऐसे भी लोग हैं जो कि फनी बात को लोगों को बता देते हैं, वो भी बिना हंसे। नंबर 15, एक सर्वे में पता चला कि अगर आप 7 से 8 साल के बीच की एज में हो और तब आप कोई नई लैंग्वेज सीखने का ट्राई करते हो तो आप मैक्सिमम लैंग्वेज सीख सकते हो, वो भी आसानी से। इस उम्र के बाद किसी भी लैंग्वेज को सीखना मुश्किल हो जाता है, और उससे पहले उतनी समझ नहीं होती कि इतने सारे लैंग्वेज जिसको याद कर सके। नंबर 14, सऊदी के सारे प्लेयर्स को रोल्स रॉयस गिफ्ट कर दी गई है। अब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और उसमें सऊदी की टीम ने अर्जेंटीना को हरा दिया, ये बात आप जानते होंगे, और इसी बात से इम्प्रेस होकर सऊदी के जितने प्लेयर्स उस मैच को खेल रहे थे उन सभी को रोल्स रॉयस गिफ्ट कर दी गई है। नंबर 13, दुनिया में एक ऐसी भी पत्ती है जो कि पूरे इंसान का वजन उठा सकती है, इसे विक्टोरिया वाटर लिली कहा जाता है। ये लिली बहुत ज्यादा बड़ी होती है और बिल्कुल किसी वाटर लिली की तरह ही होती है, और इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि इस पर एक आदमी तक खड़ा हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर देख ही सकते हो। नंबर 12, जब कोई बच्चा ज्यादा टीवी देखता है तो उसे पनिशमेंट दी जाती है कि आगे से 2-3 दिन तक उसे टीवी देखने नहीं मिलेगा। लेकिन चाइना में एक पेरेंट ने अपने 8 साल के बच्चे को उल्टी पनिशमेंट दी। उसके पेरेंट्स ने कहा कि अब उसे पूरी रात भर टीवी देखना पड़ेगा, और इस बच्चे के लिए टीवी देखना टॉर्चर बन गया था। देखा जाए तो इस पनिशमेंट ने काफी अच्छे तरीके से काम किया। नंबर 11, आपने हमेशा एवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, तो ये वीडियो आपको व्हेल का एवोल्यूशन बहुत अच्छे से दिखाता है। जहाँ एक तरफ सब जानवर पानी से इवॉल्व होके लैंड पर आए, वहीं पर वे लैंड से पानी में चले गए। इसका रीजन खाने से रिलेटेड था, और फिर धीरे धीरे देखो कि कैसे व्हेल की बॉडी चेंज होती गई। नंबर 10, इस इमेज को देखो, इसे देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये पेड़ इस कार के अंदर उग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये बस रिफ्लेक्शन है, जिसे देखकर ऐसा लगता है। पहली नजर में हर कोई धोखा खा जाएगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तब पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्शन है। नंबर 9, ये बिल 1985 का एक इंडियन होटल का है, और यहाँ एक शाही पनीर की कीमत 8 रुपए है और एक दाल मखनी की कीमत 5 रुपए है, और इस बिल में 30 रोटी बस 6 रुपए में मिल गई। इसे देखकर यकीन नहीं होता कि एक वक्त भारत कितना ज्यादा सस्ता हुआ करता था, लेकिन तब की इकोनॉमी भी काफी कमजोर थी और लोग 200 रुपए भी मुश्किल से कमाते थे। नंबर 8, इस वीडियो में बहुत अच्छे से प्लैनेट्स के ग्रेविटी को दिखाया गया है, यहाँ ग्रेविटी में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और भाई एक बार सन की ग्रेविटी देखो, ये कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, सन पर एक ही सेकंड में चीजों का खचूंबर बन गया। नंबर 7, 100 रुपए तो अब काफी कॉमन हो चुके हैं, लेकिन 100 रुपए की पावर अभी भी आपको नहीं पता होगी। अगर आप डेली 100 रुपए ETF में इन्वेस्ट करते हो तो फिक्स रेट को गिन के अगले 10 साल में यही 100 रुपए 8,47,000 बन जाएंगे, और 20 साल में 46,43,000, और 30 साल में 2,16,00,000, और 40 साल में 9,78,00,000, और 50 साल में यही रुपए 43 करोड़ हो जाएंगे। वाओ। नंबर 6, कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग टूट जाता है लेकिन हमारी बॉडी तभी भी सोई हुई रहती है, यानी कि हमें उठने का मन ही नहीं होता, और ऐसे में आपको आपके दिमाग को जोर जोर से शेक करना है तो आपके सोए हुए बॉडी
बॉडी पार्ट उठ जाएंगे और आप एक्टिव फील करोगे, और ऐसे आप जल्दी उठने की आदत भी डाल सकते हो। नेमफाई, इन कंपनीज को आप रोज देखते होंगे, पर क्या आपको इनका फुल फॉर्म पता है? तो ITC का फुल फॉर्म है इंपीरियल टोबैको कंपनी, और BPL जिसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी। नंबर 4, डेली नारियल पानी पीने से आपका वजन कम होगा, और इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको क्रैम्प्स नहीं आएंगे, ये आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है, और ये मिनरल्स और विटामिंस भी देता है, यानी कि ये किसी मैजिकल दवाई जैसा है, वो भी जीरो साइड इफेक्ट्स के साथ। नंबर 3, ये फोटो हैप्पीनेस का असली सीक्रेट बताता है। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है और आप उसी को सोचते रहोगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, और वही आपके पास जो चीज है आप उसे एडमायर करोगे और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे। नंबर 2, बुर्ज खलीफा को बनाना जितना मुश्किल था उतना ही ज्यादा मुश्किल था बुर्ज खलीफा के टॉप पर पानी पहुंचाना। वैसे तो बुर्ज खलीफा में बहुत सारा पावरफुल मोटर और काफी मजबूत पाइप का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी अगर टॉप तक ऐसे ही मोटर से पानी भेजा जाएगा तो यकीनन पाइप और मोटर दोनों ब्लास्ट हो जाएंगे, और इसलिए पानी को ऊपर तक भेजने के लिए बुर्ज खलीफा में मल्टीपल टैंक लगाए गए हैं, और हर कुछ फ्लोर के बाद टैंक आते हैं जिनमें पानी भरता है, और फिर एक दूसरे मोटर के जरिए उस पानी को और ऊपर भेजा जाता है जो कि दूसरे टैंक में जाता है, और ऐसे ही ये टॉप तक पहुंचता है और फिर वहां से हर एक घर में जाता है। नंबर 1, 2 मिनट में बनने वाली मैगी सबको अच्छी लगती है, लेकिन आज तक भाई मैगी कभी 2 मिनट में बनी ही नहीं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि भाई कंपनी तो गलत मार्केटिंग करती है, पर ऐसा नहीं है। कंपनी लिखती तो है कि मैगी 2 मिनट में बन जाएगी, लेकिन उनका असली मतलब ये होता है कि पानी बॉयल होने के बाद मैगी को बनने में 2 मिनट लगेंगे, और सच में पानी के बॉयल होने के बाद 2 मिनट ही लगते हैं, लेकिन पानी को बॉयल होने में 5-6 मिनट लग जाते हैं, और इसीलिए मैगी को बनाने में मिनिमम 10-15 मिनट लगते हैं। आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट, और ये फैक्ट्स गजब के हैं। जैसे कि फिलीपींस में इतने आइलैंड हैं कि अगर आप एक दिन में एक आइलैंड भी घूमोगे तो सारे आइलैंड्स को घूमने में आपको पूरे 21 इयर्स लग जाएंगे, क्योंकि फिलीपींस में इतने आइलैंड है कि आपको इतने साल लग जाएंगे हर एक आइलैंड को घूमने के लिए। वाओ। और क्या आपको इंडिया के सबसे पहले गोल्ड ATM के बारे में पता है, जो कि लिटरली में प्योर गोल्ड कॉइन्स देता है? जैसे हम रोज की तरह ATM से कैश लेके आते हैं, वैसे यहाँ पर लोग प्योर गोल्ड कॉइन ले सकते हैं, और ये गोल्ड ATM पहली बार हैदराबाद में खुला है, और ये फैक्ट तो गजब का है। कि क्या आपको पता है कि चीता 8 घंटे तक एक ही सेम पोजीशन में बैठ सकते हैं? अगर हम 1 घंटा भी ऐसे ही कोई चेयर में बैठ दें तो हमारी कमर अकड़ जाती है, लेकिन चीता 8 घंटे तक बिना हिले डुले एक ही पोजीशन में 8 घंटे तक रह सकते हैं। वाओ। अब ये तो आपने जान लिया, पर क्या आपको पता है कि अगर आप किसी को गलती से पेमेंट कर दो तो उस पैसे को वापस कैसे लाएं, और कैसे इस चीज को सिर्फ 14 सेकंड देखने से आपको जेल हो सकती है? और अगेन द कॉकरोचेस में एक ऐसी चीज है जिसे देखकर आपको कार्टून्स का दोगलापन पता चलेगा, और डिलीट किए हुए फाइल्स आखिर जाते कहाँ हैं? मुझे पता है आप इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हो, तो इसे देखो और जान लो यार। और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।